नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुसाई आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल प्रॉपमैन में। आज हर रोज की तरह मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ खास खबरें, तो चलिए शुरू करते हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना विकास प्राधिकरण का मुख्यालय बनाया जाएगा। इसको लेकर अगले 7 दिनों में जगह चिन्हित कर ली जाएगी। इसके अलावा यमुना सिटी में 3 नए जोनल ऑफिस भी बनाए जाएंगे। यमुना प्राधिकरण की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना भरा हुआ है। 7 दिनों में जमीन चिन्हित होगी। जानकारी के अनुसार यमुना प्राधिकरण अपना नया मुख्य प्रशासनिक कार्यालय जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाएगा। इसके लिए जमीन चिन्हित की जाएगी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को लेटर भेजा गया है। अगले 7 दिनों में नए दफ्तर के लिए जमीन चिन्हित करनी होगी। 3 नए जोनल दफ्तर कहाँ बनेंगे? इसके अलावा यमुना सिटी में 3 नए जोनल दफ्तर बनाए जाएंगे। एक जोनल ऑफिस सेक्टर 18 से 20 के पास होगा, दूसरा सेक्टर 22 ई में बनेगा और तीसरा जोनल दफ्तर सेक्टर 22 डी में बनकर तैयार हो गया है। जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा के ओमेगा सेक्टर में बना यमुना प्राधिकरण का दफ्तर बाद में जोनल ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तीनों प्राधिकरण को नया रूप मिलेगा। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण को नए रूप में बनाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण काफी समय पहले बनकर तैयार हो गया। नोएडा प्राधिकरण के नए दफ्तर का काम निर्माणाधीन है। अब यमुना विकास प्राधिकरण को नया रूप देने की तैयारी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गौतम बुद्ध नगर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। अगर आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना देख रहे हो तो आपके लिए अच्छी खबर है। यमुना विकास प्राधिकरण ने बीते अगस्त महीने में 1184 आवासीय प्लॉट की स्कीम लॉन्च की थी। अब यह स्कीम ड्रॉ के माध्यम से खुलने जा रही है। आगामी 18 अक्टूबर को आवासीय स्कीम का ड्रॉ होगा। ड्रॉ में जिसकी पर्ची निकलेगी प्लॉट उसको मिलेगा। इसको लेकर यमुना विकास प्राधिकरण ने पूरी तैयारियां कर ली है। प्लॉट का साइज क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के पास आवासीय प्लॉटों की स्कीम निकाली है। इस स्कीम में 120, 162, 200, 300, 500, 1000 और 2000 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट है। यमुना प्राधिकरण ने 1184 प्लॉटों के लिए स्कीम निकाली है। अभी तक इन 1184 प्लॉटों के लिए 1,40,000 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से 1,30,000 फॉर्म सही पाए गए। सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह का बयान। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि आवासीय प्लॉट की स्कीम में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्राधिकरण ने 1,184 प्लॉटों के लिए स्कीम लॉन्च की थी। अब तक इनमें से 1,30,000 फॉर्म सही मिले हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 18 अक्टूबर को ड्रॉ होगा, जिसमें 1,30,000 लोगों के भाग्य का फैसला होगा। कुल मिलाकर एक प्लॉट के लिए 110 लोग लाइन में खड़े हैं। तो फिलहाल आज मेरे साथ इतना ही। आशा करती हूँ आपको खबर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।